आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्पर्स पेंशन पोर्टल में अपना पैन कार्ड, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर किस तरीके से अपडेट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर आपने पहले से अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट किया है तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल्स आपने अपडेट किया वो सही है या नहीं। तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाया हुआ है। यहां पर देखिए, एक वीडियो हमने ये भी बताया था आपको कि जब फर्स्ट टाइम आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, कैसी सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, सब कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, इसलिए आप एटीएच इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवे, चलिए अभी हम चलते हैं अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल पे। और यहां पर सबसे पहले तो आपको spurs.defence.gov.in, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, इसे हम ओपन कर लेंगे। अब इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन का बटन आ जाता है, बस आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना यूजर क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना होता है। तो एज इट इज जो यहाँ पर मेंशन है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का अलर्ट मैसेज शो होता है, जिसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में बताया हुआ है। ये बेसिकली प्री 2016 पेंशनर और पोस्ट 2016 पेंशनर से रिलेटेड है। फिलहाल आपको इस पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। वैसे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग प्री 2016 पेंशनर है, यानी कि 2016 के पहले के पेंशनर्स है, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपडेट कर सके अपना प्रोफाइल। और जो पोस्ट 2016 पेंशनर है, यानी कि 2016 के बाद जो पेंशन पे आए, तो उनको यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी ऑप्शन मिल जाता है, मेन्यूज मिल जाते हैं, जहां से वो अपने प्रोफाइल को, सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो एनीवे, जो इम्पोर्टेंट जो मॉड्यूल्स है, इम्पोर्टेंट जो चार पॉइंट्स है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि आपका सबसे नंबर वन पे आ गया पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट और अपडेट पर्सनल डिटेल्स, ये ऑप्शन तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ पर, चाहे आप प्री 2016 पेंशनर हो या पोस्ट 2016 पेंशनर है। तो एनीवे, आज अभी हम लोग कंप्लीटली ये देखते हैं कि जो आपका पर्सनल डिटेल्स आपने फिल किया हुआ है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये प्रॉपर वे में अपडेटेड है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे जाना होगा, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अपडेट पर्सनल डिटेल्स करके आ रहा है, बस आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अभी देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अगर कोई एक्नोलॉजमेंट आता है, कोई रिक्वेस्ट आपने पहले से भेजा हुआ है तो यहाँ पर ओके करना है, अगर कोई रिक्वेस्ट आपने नहीं भेजा तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ डिटेल्स अपना फिल किया है, जैसे कि आधार नंबर, यहाँ पर ऐप का जो आधार नंबर जो लिंक्ड होता है स्पर्स पोर्टल से, वो एज इट इज शो होता है। याद आपको ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, आप पैन कार्ड को कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कर सकते हैं, ईमेल आईडी कर सकते हैं, लेकिन आधार नंबर जो है वो आपका अपडेट नहीं हो सकता है। आधार नंबर जो आपका लिंक्ड है वो लिंक हो चुका है। तो एनीवे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पैन कार्ड अगर आपको अपडेट करना है, वैसे देखिए जो हमने जो अपडेटेड किया वो इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, तो आप लास्ट के 4 डिजिट्स अपना पैन कार्ड से चेक कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें आपकी प्रॉपर वे में सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका ये ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो या पैन कार्ड हो आपका सही नहीं है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए क्या है कि देखिए, यहां पर ना एक एरो मार्क आता है, बस आपको इस एरो मार्क पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही आप इस एरो मार्क पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पर देखिए आपके सामने ये कर्सर आ जाएगा, आप इसे चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। सेम चीज आपका मोबाइल नंबर में भी है, आपको यहां पर इस एरो मार्क पे क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए, आप जैसे ही इस एरो मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और ईमेल आईडी में भी सेम चीज है कि आप यहां पर एरो मार्क करेंगे तो यहां से आप अपना ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सारा इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिलअप है, तो हम यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको चेंज करना होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके नीचे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पर्सनल डिटेल्स आप अपना चेक कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अब यही जो पोस्ट 2016 पेंशनर है, जो 2016 के बाद आए, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उनको यहां पर लेफ्ट साइड में भी ऑप्शन मिल जाता है अपडेट करने का, तो वो वहां अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे भी जाकर के अपने डिटेल्स को
चेंज कर सकते हैं एज इट इज जैसा वो चाहते हैं। और उनको प्रोफाइल अपडेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्रोफाइल में भी अगर उनको कुछ डिटेल्स ऐड करना हो तो वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर सेट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर ETH इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो यहां पर देखिए हमने काफी डिटेल्ड में आपको बताया था कि जब आप फर्स्ट टाइम इस फर्स्ट पेंशन पोर्टल में लॉग इन करते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने, किस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है, अपना पासवर्ड अपडेट करना होता है, फिर आधार कंसेंट को कैसे अपडेट करेंगे, पैन कार्ड कैसे अपडेट करते हैं, और उसके बाद आप जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं जीवन प्रमाण के थ्रू तो वो कैसे चेक करेंगे कि वो आपके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है, यानी कि सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों अभी फिलहाल आपको यहां से तो पता चल गया कि यहां से आप अपना पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस एरो मार्क पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, उनका आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं होता है, तो उसके लिए भी इस पर्सन ने ऑप्शन दिया हुआ है। उसके लिए आपको सर्विसेज में जाना होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में बताया हुआ है आपको पहले भी कि आप सर्विसेज पे जा करके वहां से अपना मोबाइल नंबर अपडेट को जब सेलेक्ट करेंगे तो वहां आपको एक ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, तो उस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपके पास अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपना इंडियन आर्मी का रेजिमेंटल नंबर, ये सारे डिटेल्स फिलअप करने होते हैं और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। एनीवे अभी आप पर्सनल डिटेल्स तो अपडेट यहां से कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो आपने सबमिट किया वो आपको चेक कर लेना है कि उसका जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है वो 2023 है। इसके अलावा इस पर्स पेंशन पोर्टल में आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, तो बेहिचक आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सही गाइडलाइन दें, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। और जिन लोगों को इस पर्स की तरफ से यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं मिला है तो उनको भी हमने यहां पर बताया हुआ है कि आप PCDA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना माइग्रेशन स्टेटस यहां से चेक कर सकते हैं। माइग्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए अगर आपके पास इंडियन आर्मी नंबर या जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आता है अगर वो भी आपके पास अवेलेबल है तो उसके थ्रू आप यहां से अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो PPO नंबर आपको यहां पर मिलता है इसी PPO नंबर के थ्रू आप अपना फॉरगेट पासवर्ड सारा कुछ सेट कर सकते हैं एज लाइक जैसे पहले लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड मिला हुआ है, तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं इस पर्स पेंशन पोर्टल में अगर आपको कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैसेज उन लोगों को भी नहीं आया जिनका मोबाइल नंबर जो है वो प्रॉपर वे से अपडेटेड नहीं है इस पर्स पोर्टल में, तो उनको तो मैसेज जाएगा नहीं। तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि आप PCDA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करें और फिर उसके बाद इस पर्स पोर्टल में लॉगिन करें। इन सब के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और कम प्रणाम सत्यकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।